लग तो ऐसा रहा है लोहा सिंह जी, आज आपका वो बेटा जिएगा जेकरे पास बंदूक है। इस नीच को बचाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं ना आप लोग। विश्वास ही नहीं, और हम आप लोगों के साथ एक एक घर में रहते हैं। इसे अपना परिवार कहने में हमारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं बची। बिस खोपड़ा की जान बचाने की दुहाई दे रहे हैं आप लोग। जो रंग बदल बदल के काटता है तो रखिए इसे, और आज राम में छिपाए किस बिस खोपड़ा को। चलो चलिए बाबू अयोध्या सिंह जी, बैतरणी पार करने का रस्म पूरा करें। कौनो जरूरत नहीं बची अब ई बैतरणी पार करने की। हमरे सरक का रास्ता यही परिवार से होके जाता है। पैर में लगी है का? हम ठीक है छोटे ठाकुर।
लाली हमको माफ कर दो। हम बहुत कोशिश किए पर हम तुम्हारे को तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाए। नहीं छोटे ठाकुर, गलती तो हमारी है। आप माफी मांग के कहा है, हम जो ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं। आप तो हमको कुर्सी से जाने से मना किए थे बाहर, बाकी हम आपकी बात नहीं माने। माफी तो हमको ना मांगना चाहिए। सब का कर रहे छोटे ठाकुर? ये सब कपड़ा लत्ता काहे लिए बांध रहे? छोटे ठाकुर, तुमको हमारी बात पर भरोसा है ना? शिव जी माफ करें, बाकी झूठ बोलेंगे तो भी जानिए ना जाएंगे कि हम आप पे उनसे कहीं ज्यादा भरोसा करते हैं। फिर तो कौनो सवाल जवाब की जगह ही नहीं बची। चलो हमारे साथ। बुआ, ईका जा रहे हैं घर छोड़कर। कहाँ? और लाली को भी साथ लिए जा रहे हैं। और हम नहीं चाहेंगे कोई भी हमारे रास्ते की रुकावट बने। आप अपनी गंदी लालच और ताकत के घमंड के साथ इस बड़का बेटा को अपनी गोद में लेके बैठी है। रणवीर जी को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा लोहा सिंह बनने में, और आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा अयोध्या सिंह बनने में।
कहे कि आपन हाथ का बदला अपने हाथ से मिल जाता है। और आप लोग ये जौन दोनों बाप बेटा लोग राक्षस बन गए हैं ना, ये जान लीजिए कि आप लोग के चुप्पे चापे तमाशा देखने की वजह से बने। अपनी चुप्पी बनाए रखिए, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इन लोगों को आदमी का मांस खाने में। मां, आपकी ममता की छाया थी जेकरे वजह से हम अब तक ही कांटों भरी जमीन पर खड़े थे, लेकिन अब ये जमीन भी अनाचार और अत्याचार के विष में डूब चुकी है। और अब हमको आपकी ममता भी इसमें गोते खाते हुए नजर आती है, और हम इसको अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देख सकते। और तुमने तो ऐसा कर्म किया है कि घिन को भी घिन आ जाए। तुमको हमेशा केवल अपने हक का ध्यान रहा, अपनी सुविधा का, अपने रुतबे का, अपना कंगन बाली झुमका का हक। बाकी बचे हम तो तुम्हारे लिए केवल एक सामान जैसे थे, और वैसे ही तुम हम पर हक जताती। कभी हमरे मन पर काहे नहीं हक जताया, काहे नहीं कभी पति पत्नी जैसा रिश्ता रहा हमने तुम्हारे बीच। कभी नहीं सोचा ना, और तो और जाके वो रणविजय के कहे में आ गए। जानती नहीं थी कि रणविजय हमको और लाली को मारने के लिए खूंटा गाड़ के बैठा है। कैसे विश्वास करें कि तुम अनजान थी। एक रावस यही मतलब है कि तुम भी उन आदमी के साथ जाके मिली हो जो हमको मारना चाहते। पता है, हमको लगता था कि हम तुम पर जुर्म कर रहे हैं, बाकी अब हम अच्छी तरह जान गए हैं कि जेकरे लिए हम इतना परेशान थे ओकरे मन में हमरे खातिर कुछ है ही नहीं। ये सच है, अब तुमरे और हमरे बीच कुछ बचा ही नहीं है। हमरे बीच अब कुछ नहीं है, केवल रेत कांटे और अंधड़ के अलावा बस, बाकी सब सब खत्म। सुनिए, ऐसे कैसे खत्म? अरे तुमने कहा और खत्म, अरे कुछ चीज तो कुछ हो जाए, जस की तसी रहती है। हाँ, अरे हम बीबी और रखेल, अरे हमारी शादी हुई है, ऐसे कैसे कहा और खत्म हो गया सब कुछ। शादी में कौनो मेले में लगा हुआ गुब्बारा थोड़ी है कि जब मन किया फोड़ दिया। सिद्धेश्वरी, हम कह रहे हैं ना, हमरे तुमरे बीच कोई रिश्ता बचा ही नहीं है, तो टूटेगा का और फूटेगा का। अब हम लौटेंगे नहीं जब तक रणविजय इस घर पे। तनी रुकी ना, छोटे ठाक काहे घर छोड़ने से पहले एक बारी घर की पूजा घर में माथा टेकना चाहते हैं, एक बारी शिव जी का दर्शन तनी कर ले। अब भी तुम्हारे उस भोलेनाथ के मंदिर पे श्रद्धा बाकी है जहां पर तुमको नीच कहकर अंदर आने को नहीं मिला था? कोई जरूरत नहीं जाने की, चलो। माना करे तो हम नहीं जाएंगे, बाकी हमरे मन को शांति नहीं मिलेगा। ठीक है, जाओ जल्दी वापस आना।
इतना कठोर मत बनो। अपने माता रानी को बिलखने के लिए छोड़ के मत जाओ। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब हम यहाँ रह के माहौल बदलने का इंतजार नहीं कर सकते। और हम ये रास्ता ये ले चुने हैं कि हम जानते हैं कि और कौन और रास्ता बचा ही नहीं। बाकी तो कोई तरह घर छोड़ के जाते हुए नहीं देख सकते। तो मत देखिए ना, जैसे आप रणविजय के कुकरम नहीं देखती हैं वैसे मत देखिए। इस बार हम आपकी सुनने वाले नहीं हैं। चाहे आप अपनी कसम ही कायना दे दें, जाएंगे तो हम फिर भी। इसलिए कह रहे हैं ऐसा मत करिएगा कि हम यहाँ से आपकी कसम तोड़ के जाएं और वहाँ हमारी आत्मा पर बोझ बना रहे। हमारे ऊपर यही कृपा करें तो आपकी बहुत कृपा होगी। माफी बताइए क्या करें? छोटे ठाकुर अगर हवेली छोड़ के गए तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। उनके शरीर में जो जहर है उसका क्या होगा? हम तुमको बताई बोले ना कर सकते हैं। अब खाली 4 दिन बचे हैं। जहर नहीं ना समझेगा उनकी तकलीफ को, उतर से दिखाई भी करेगा, तब हम क्या करेंगे? तुमको शेखर बाबा को घर वापस लेकर आना ही पड़ेगा लाली। हमको विश्वास है कि तुम बबुआ को 4 दिन में वापस लेकर आओगी। काहे कि अगर वो नहीं आया तो नहीं जिएगा।